ये वही जगह है जहां पे मजलूम अंसारी और इम्तियाज को एक मर्डरस मॉब ने, एक लिंच मॉब ने पहले बुरी तरह से पीटा और उसकी हत्या कर दी और उसके दोनों के बॉडी को एक पेड़ से लटका दिया। अभी हम लोग लातेहार डिस्ट्रिक्ट के टूमर तार गाँव में हैं। ये हिरेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारे पीछे मंजलूम अंसारी का घर है। झारखंड में मॉब लिंचिंग की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। हमारे साथ डिसीज्ड मजलूम अंसारी की वीडियो मौजूद हैं, सायरा बीबी। आप मुझे ये बताइए कि कैसे चल रहा है? मजलूम ही घर को चलाते थे, सब सिंगल घर में कमाने वाले वही थे? हाँ भैया, वही कमाने वाला, वही भर है, ये है और कोई नहीं है हमारा साथ में। वही भर था अपना आदमी, ने दुख बूढ़ा बूढ़ी है, माँ और बाप और फिर पांच चार लड़की एक लड़का। अभी बहुत दिक्कत चल रहा है, सब चीज़ करने के लिए नून है, तेल है, हर एक चीज़ के लिए, कपड़ा लाता सब चीज़ के लिए बहुत परेशान है। बच्चा है सब छोटा छोटा, पढ़ने लिखने के लिए सब चीज़ दिक्कत हो रहा है। आपका सबसे बड़ा बच्चा कितनी उम्र का है? वही 13 साल के। 13 साल लड़की है। लड़की है, हाँ। और सबसे छोटा की उम्र क्या है जी? मैं देखिए 2.5 साल के। ये सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं भैया। कहाँ, किस स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? ना, सरकारी। सरकारी स्कूल। हाँ, सरकारी। तो आप अपने माँ बाप के यहाँ रह रही हैं? अपने मायके में? वहाँ भी जाइए कभी जब भी, वहाँ भी जाइए। तो आपके ससुराल वाले जो लोग हैं, हाँ, वो ख्याल नहीं रखते हैं आपका? ना भैया, अपना अपना आजकल के दौर में कोई कोई कहीं नहीं, अपना अपना, उन लोग भी अपना अपना कमा खा रहा है। उस दिन वो 3 बजे यहाँ भोर से निकला। 3 बजे सुबह? हाँ, भोर में, सुबह 3 बजे भोर में। वही फिर 3 बजे फिर वहाँ से फिर सवेरे फिर खबर, वहाँ से फिर हमारा चाचा के पास फोन झाबर से। यहाँ फिर चाचा सब घर जगह फिर फोन करके सगर पता कर ले कि वही तो माल अथी माल लेके यहाँ से गले हैं। तो वही लगे फिर पता चलते चलते पूरा फिर हल्ला हो गया भैया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, ले गए तो हम खाली देखे तैसे वहाँ बेहोश हो गए। हम वहाँ देखने फिर सके ना, वहाँ देख वहाँ बेहोश होंगे। फिर कैसे कैसे का हुआ ना हुआ हमारा ना पता भी। तीन पहले बैल लेके आए थे और दूसरे किसी मेले में ले जा रहे थे। हाँ, मेले। अच्छा, हर जोतने वाला बैल। हाँ। तो वही फिर झाबरन तो बैल, कितना बैल था? वही 12-13। हाँ। कैसे अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे? गाड़ी में ना, हाँ के ले। हाँ के ले। हाँ। अच्छा। सारी लोग देखा, पुलिस वुलिस सब भी देखा। 8-10 दिन यहाँ बैल, 15 दिन रह गया, 15-22 दिन के बाद देखने के लिए सब बांध के रखा था। अच्छा, वो जो जानवर जिसको ले जा रहे थे बेचने के लिए, वो जानवर मिल गया सब 11 के 11? हाँ, सब आप से आप यहाँ सब जानवर पहुँच गए थे। कोई किसी से कोई दुश्मनी, कोई ये किसी ने कोई धमकी दिया हो पहले से? दुश्मनी तो ना पता चला भैया माँ की, धमकी 15-22 दिन के पहले धमकी झाबर वाले ने दे लिए थे। अच्छा। कि अथी व्यापारी करने के लिए छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़िएगा तो हम लोग मारेंगे। तो वही इन लोग सोचल थे कि अब मेला लास्ट मेला है, ये मेला भर कर लेबे, ओकर बाद हम इनके जो पूंजी उंजी लगल है समीन अब बाँट लेबे। जब इखिन धमकी देते थे नहीं लेके कहे थथिन तो हम इन अब छोड़ देबे, कहीं कौन ठेकान है कि मारे भी धीरावे थे, कहीं मारिए दी वगर से बढ़िया अबरी भर मेला है, मेला कर लो, बाद हम छोड़ दो। ये धमकी देने वाला कौन आदमी था? वही उन लोग पकड़ाया था, वही अथी झाबर वाले, वही सब। अच्छा, धमकी। हाँ, अरुण सा, बंठी सा। अच्छा। और
दो जन के नाम जानते उतना सबके नाम नहीं जानते भाई। दो लोग आए थे और आकर उन्होंने मजलूम अंसारी को जो सतनहा रहे थे उनको धमकी दी थी कि तुम जो कैटल ट्रेडिंग करते हो, ये जानवरों के खरीद और बिक्री का जो काम करते हो उसको छोड़ दो, नहीं तो डायर कंसिक्वेंसेस होंगे। वो यही जगह है, यहीं पे वो धमकी दी गई थी। और कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान को पहली बार एक सिनिस्टर डायबोलिकल और एक ब्रूटल मैसेज दिया गया, फॉल इन लाइन और बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस। याद रखिए वो बैल था, है ना, उसमें कोई गाय नहीं थी, कोई बफेलो नहीं था, कोई गोट नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बैल थे जिसका काम खेती के पर्पस में किया जाता है। उसको वो बेचने जा रहे थे एक लोकल फेयर में और उसी बीच रास्ते में उनको एक लिंच मॉब ने घेरा, बुरी तरह से पीटा और फाइनली ही वॉज हैंग टू डेथ फ्रॉम ए ट्री इन अ नियर बाई विलेज। और इस स्टेट झारखंड जहाँ भी हम खड़े हुए हैं, यहाँ की पहली लिंचिंग की घटना सामने आई। अभी उस केस में जितने लोग पकड़े गए थे सबको बेल मिल गई है, सब लोग बाहर अब आ चुके हैं। हाँ, सब लोग बाहर। क्या कहेंगी आप इस पे? अभी भी उन लोग एकदम शेर जैसा भूल रहा है, एकदम छाती तान के, अभी भी किसी से नहीं डरता हूँ। लोग सरकार से, कोर्ट से क्या मांग है आपकी? सरकार से मुआवजा मांग है और नौकरी मांग है भैया। चार गो लड़की है, एक लड़का है, अगर नौकरी नहीं दीजिएगा और मुआवजा नहीं मिलेगा तो चर गो लड़की का हम का करेंगे भैया। मेरे साथ कोई भी ना, अगर नैहर में भाई भी रहता, अगर बहन भी रहता, उन लोग भी सहारा कोई चीज करता, बाकी अकेले हम सिर्फ मेरे साथ। माँ बाप की हाँ अकेले ही बेटी है। इंसाफ होता हुआ दिख रहा है आपको? अब अल्लाह जाने भैया, अब तो सब तो हम लोग सोच रहे हैं कि इंसाफ हम लोग के अच्छा इंसाफ होवे, उन लोग के फिर जेल में ढुकावे। हम तो कोशिश लगल हैं, जैसे हमरा आदमी के मार के फांसी में टांगे वैसे हम भी चाह रहे हैं कि उन लोग के भी हो, हाँ फांसी सजा उन लोग के भी हो। जैसे अभी बाल बच्चे हमारे तरस रहे खाना पीना के लिए, हम भी तरस रहे हैं अपना आदमी के लिए, बाल बच्चा भी तरस रहा है, सब हर एक चीज के लिए, पैसा के, कोड़ी के, खाना से, कपड़ा से। केकरो डहर चलत रहा तो चाल कर थी खोजे, हाँ सबके आबू आ घर आवे थे, हमारा आबू नहा में कहाँ गए हमारा आबू, तखन एकदम कलेजा मेरा फाट जाता, बुझेता हर मेरी किस्मत। जिस मकान में अभी हमने सायरा से बात की, ये उनका अपना मकान नहीं है, ये उनके चाचा का मकान है। सायरा का मकान वो है जो मिट्टी का मकान है, जो पानी वगैरह कर और पैसे न रहने की वजह कर गिर चुका है, अब वो रहने लायक नहीं बचा है। उन्होंने वो घर में रह नहीं सकती थी, इसलिए वो अभी चाचा के मकान में रह रही हैं। फैमिली में एक कमाने वाला था, 35 साल की औरत है जिसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों ने अपने बाप को खोया, एक यंग लेडी ने अपने हस्बैंड को खोया और एक बूढ़े माँ बाप ने अपने इकलौते दामाद को खो दिया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आश्वासन दिए गए, बहुत सारे अश्योरेंस दिए गए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से लोग आए और लेकिन फाइनली उन आश्वासन का, उन अश्योरेंस का क्या होता है वो हम जानते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, सारे अक्यूज बाहर आ चुके हैं, पुलिस भी है, कोर्ट भी है, लेकिन ये फैमिली एक बद से बदतर हालत में जीने के लिए मजबूर कर दी गई है।